हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। पंजाबी किचन में आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं फ्राइड मोमोज, जो कि बच्चों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। जैसे कि स्टीम मोमोज को ज़्यादा टाइम लगता है, वैसा नहीं है। फ्राइड मोमो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं और बच्चे उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और मोमोज बनाने का पहला प्रोसेस क्या होता है, उसका आटा गूंदना। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी ये मैदा ले लिया है, ये ब्लू वाली कटोरी है। मैं जितना बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने मैदा लिया है। आप बधा कटा सकते हो, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा आटा ले लीजिए। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये देखिए मैंने आधे, मेरे पास टी स्पून है, आधा स्पून मैंने नमक लिया है, और ये देखिए 2 स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह पहले आटे में नमक को और रिफाइंड ऑयल को मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल नमक को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, ऐसे हाथों से मैश करते हुए अच्छी तरह इसको, रिफाइंड ऑयल को आटे में मिक्स कर दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदूंगी। आटा गूंदने की वीडियो आज उस टाइम नहीं बन पाएगी क्योंकि वीडियो मैं खुद ही बना रही हूँ, इसलिए अब मैं पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं, वैसे ही मोमोज का ये आटा गूंद के रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने मोमोज के लिए आटा गूंद के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट आटा गूंद के मैंने रेडी किया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी ताकि जो हमारा जो आटा है वो ऊपर से सूखे ना, और इस पे जो सिकड़ी जी आ जाती है वो नहीं आएगी अगर हम ऐसे इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। अब मैं इसको ढक के, ये देखिए ऐसे ढक के मलमल के कपड़े से 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी। और जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम जो मोमो की स्टफिंग है उसे बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने मोमोज की स्टफिंग के लिए रेडी कर लिया है वेजिटेबल्स। ये मैंने बंद गोभी ली है, ये छोटा सा फूल था इतना सा, वो वाला लिया है मैंने, और एक मैंने गाजर ली है, और एक छोटा प्याज मैंने ये भी ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। ये तीनों चीज़ मैंने ग्रेट की है। मैंने बंद गोभी थोड़ा ज़्यादा ली है क्योंकि मेरे बच्चों को बंद गोभी थोड़ा ज़्यादा खानी पसंद है, और गाजर मैंने एक ही ली है, कम ली है। आपके पास जो भी सब्जी हो आप वो ले सकते हो। इसके अलावा ये देखिए मैंने इसमें लहसुन और अदरक को दरदरा पीस लिया है, इसमें 8-10 तुरी लहसुन की है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। अब आप देख सकते हो मैंने फ्राई पैन रख दिया है। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा पहले ऑयल डालते हैं। ये देखिए हमारा जो फ्राई पैन है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 2 बड़े स्पून ऑयल डाल दूंगी, थोड़ा सा और डालूंगी 1/2 स्पून। अब हम पहले ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जो अदरक और लहसुन का मैंने दरदरा पीसा वो डाल दूंगी, थोड़ा सा इसको सॉफ्टी कर दूंगी मैं। ये देखिए हमारा जो अदरक और लहसुन है वो हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और इसे भी एक मिनट के लिए हम थोड़ा सा सॉफ्टी कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो प्याज है वो भी हो गया है। अब मैं इसमें ये बंद गोभी ये भी डाल दूंगी, और इसी के साथ ये गाजर। अगर कई लोग फ्राइड मोमोज को पहले स्टीम करके बनाते हैं, लेकिन वो इसलिए स्टीम करते हैं क्योंकि अगर ये हमारा जो तड़का सब्जी है इन्हें थोड़ा सा हम फ्राई नहीं करते तो कच्ची ही डाल रहे हैं, तो अगर आप कच्ची डालेंगे उसमें तो आपको जो मोमोज हैं पहले उन्हें हाफ स्टीम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे फ्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे इसको फ्राई करके थोड़ा सा डाल रहे हो तो फिर आपको इसको स्टीम करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए हम इसको 1-1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखिए हमारी सब्जी है, उन्हें पकते हुए 1-1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। ये देखिए ये 1 और ये आधा, मेरे पास छोटा स्पून है, मैं हर बार बोलती हूँ इसलिए मैं इसमें 1.5 डालती हूँ, लेकिन आपके पास अगर बड़ा स्पून है तो आप उसमें 1 ही डालिए। अब मैं इसमें 1 स्पून काली मिर्च डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी, और धीमी आंच पे लगभग 2 से 2.5 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। ये देखिए हमारी जो सब्जी है उसे पकते हुए लगभग 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये लगभग आधी पक चुकी है,
और आधी ये जब हम फ्राई करेंगे तब पक जाएगी। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो ठंडी हो चुकी है और मैंने इसको इस बर्तन में निकाल दिया है। अब आप देख सकते हो, ये देखिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल रख दिया है गर्म होना मीडियम आंच पे, और जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम अपने जो मोमोज हैं उन्हें बेल के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए पहले मैं इसको एक बार फिर अच्छे से ऐसे नी करूँगी। देख लीजिए मैंने इसको अच्छे से नी कर लिया है। अब मैं इसमें से एक बड़ा पेड़ा लूँगी और इसको ऐसे हाथों पे घुमाते हुए लोई बना लूँगी। ये देखिए ऐसे, ये देखिए मैंने बड़ी लोई ली है, आप देख रहे होंगे। आज मैं आपको एक अलग तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि कैसे हम जल्दी ज़्यादा मोमोज बेल के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पे ही अपने जो सरफेस इसी पे ये लगा दिया है सेल्फ पे। ये देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह बेल लूँगी। आपको इसको किनारों से पतला करना है और बीच से थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए ऐसे उठा उठा के इसको अच्छी तरह बेल लीजिए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। इसके नीचे से ये देखिए आपको मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा होगा, आपको इतना ही इतना पतला बेलना है इसको। तो अब ये देखिए अगर आपको लगे किनारों से थोड़ा सा है तो आप फिर ऐसे अच्छे से बेलन घुमा सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम चकले पे बेलते हैं तो एक एक मोमोज बेलने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे हम इकट्ठे ही 4-5 बेल के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक गिलास ले लिया है, आपके घर में कोई कटोरी होगी आप कटोरी ले सकते हो। अब इसकी हेल्प से मैं इसको ऐसे घुमाते हुए ये देखिए ऐसे इसमें से मोमोज कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ऐसे ये देखिए एक बार में हमारे 6 मोमोज बन के रेडी हो चुके हैं। अब जो ये देखिए बीच से मैं उठा दूंगी। मैं आज छोटे बना रही हूँ, अगर आप बड़े बनाना चाहते हो तो इसको बेल के और बड़े कर सकते हो। अब मैं इसको साइड में प्लेट में रख दूंगी और सारे मोमोज ऐसे ही बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए हमारे सारे मोमोज बेल के रेडी कर लिए हैं। अब मैंने एक ने चौपे बोर्ड पर रख लिया है। अब इसमें मैं ये देखिए थोड़ी सी स्टफिंग डालूंगी, क्योंकि हमारा मोमोज है वो छोटा है इसलिए स्टफिंग आपको इसमें कम ही डालनी है। अब ये देखिए यहाँ से फोल्ड करते हुए इसको मैं ये आगे और पीछे ऐसे करते हुए मिलाऊंगी। ये देखिए ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे और ये फिर पीछे, और फिर जो ये वाला हमारा पार्ट रह गया है इसे हम ऐसे ऐसे घुमा के मिला देंगे। ये देखिए ये हमारा मोमोज बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए दूसरों मोमोज में मैं वैसे ही स्टफिंग रख दी है। अब मैं इसको वैसे ही फिर उठाऊंगी। ये देखिए यहाँ से आपको फिक्स करना है इसको पहले ऐसे हाथ से, और फिर ऐसे घुमाते हुए एक ही जगह पर मिलाते जाना है। ये देखिए ऐसे 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 मिलाते हुए। ये देखिए हमारी मोमोज की एक प्लेट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी प्लेट्स इसमें दिख रही हैं। बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही उसको बड़े से रोटी बेल के बनाएंगे तो एक साथ आप 5-6 पीस अच्छे से बेल सकते हो। तो आइए देखते हैं अब हमारा तेल जो गर्म हुआ है कि नहीं, तो मोमोज को फ्राई करते हैं। ये देखिए मैंने एक मोमोज बीच में डाल दिया है। ये देखिए आपकी फ्राई पैन में जितने आए आप उस हिसाब से डालें। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें। ये देखिए मैंने अब इसको मीडियम आंच पे मैं फ्राई करूंगी। ये देखिए इसको ऐसे झरनी के साथ पलटी करते रहें। देखिए कितने अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं।
गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिए, क्योंकि हाई रखोगे तो वो डालते सार ही बाहर से तो पक जाएगा लेकिन बीच से पूरी अच्छी तरह नहीं पकेगा। इसलिए जो आपको तेल है वो भी मीडियम आंच पे ही गर्म करना है। ये देखिए ऐसे चलाते हुए इसको अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। ये देखिए हमारे जो मोमोज हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, उतने ही खाने में टेस्टी हैं ये। और बहुत ही ये देखिए और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं। और देखिए खुले भी नहीं है बिल्कुल भी, वैसे ही हैं जैसे हमने इनको ये देखो फिक्स किया था। और मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। देखिए मैं ऐसे ही दूसरे मोमोज भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हमारे दूसरे वाले मोमोज भी फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए ऐसे ऑयल निकालते हुए ये देखिए बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। ये देखिए प्लेट में निकाल लीजिए। ये देखिए हमारे जो मोमोज हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। ये देखिए ये हमारे यम्मी और टेस्टी फ्राइड मोमोज बन के रेडी हो चुके हैं। आज हम लोग इसे सर्व करने वाले हैं, बच्चे खाने वाले हैं चाट मसाले के साथ। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी। ये देखिए आप इसको मेयोनीज के साथ या मोमो चटनी के साथ, जिसके साथ खाना पसंद करते हैं आप उसके साथ खाइए। लेकिन हमारे बच्चे आज इसको चाट मसाले के साथ खाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ये चाट मसाले के साथ ही पसंद आते हैं। तो ये मेरी फ्राइड मोमोज़ की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये फ्राइड मोमोज़ की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।